पहले मुझे चालू कर। अरे बंद कर दो, अभी इसको बंद कर। करो वैसे वही जब तू अच्छा, इन सबको भी कभी कभी आ जाना चाहिए। आ रहे हैं सब लोग, आ रहे हैं। मैडम सर हमको करने दीजिए ना। अच्छा सर, हेलो फ्रेंड्स, कैसे करो? हाँ मैडम, अरे कोई नहीं, बजली तो अपना करिए ना मैडम, आपका फोन ज्यादा आता है। मेरा कहाँ आता है? अरे देखा, किसी ने फोन कर, किसी ने फोन सुनेगा ही मेरे फोन के? हमारे सबको मतलब आना चाहिए। तुम यहाँ पे सोच रहा है की नहीं बार फोटो नहीं आएंगे, अरे तेरे को नहीं करो, कई लोग आता है नहीं लेता है, हमारे पास कई लोग के वीडियो जो नहीं जाना चाहता है। पोस्चर थोड़ा ऐसे रखा करिए, कंधा कंधे थोड़ा। स्टार्ट। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संजय इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर। और आज अभी एक नया बैटरी चार्जर बना, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये बहुत रिस्क का काम है और कभी भी ये यूज ना करें, क्योंकि ये सिर्फ चेक करने के लिए है। और ये समझिए कि ये देसी है, मतलब ये उस तरह से नहीं है जो ऐसे चार्जर में SMPS आता है जो कंपनी बना कर देती है, उस टाइप का नहीं है। ये लोकल टाइप में है और ये जुगाड़ वाला है, तो इस पे भरोसा ना किया जाए। लेकिन मैं जैसे किए हैं और जैसे बताए हैं और जैसे किया अभी करके दिखा रहा हूँ, ये चार्ज हो रहा है, बिल्कुल सही हो रहा है। लेकिन मैं फिर भी बता दूं कि बिना सोचे समझे इस चार्जर को यूज ना करें, जो करेंगे वो खुद जिम्मेवार है। मैं आपको बताना है बता दिया, क्योंकि ये रिस्क वाली बात है। ये चार्जर ऐसा है जो मैकेनिक होता है, जैसे हम मैकेनिक हैं, हम यूज कर सकते हैं, हमें पता है कि कभी फटेगा क्यों फटेगा। लेकिन अगर आप नहीं जानते तो आप खरीदना नहीं, आप इसे लगाना भी नहीं। और मैं अभी दिखाता हूं कि कैसे ये काम करता है, ठीक है? लेकिन मैं फिर आपको सेफ्टी बता दूं कि ये हमारी जिम्मेवारी नहीं है अगर आप इसे यूज करते हैं तो। हमने कर रखे हैं, हम इस लाइन के हैं, हमें पता है कैसे क्या होगा। आपको अगर नॉलेज नहीं है तो नहीं कीजिए, मैं आपको बताता हूँ। लेकिन देखिए अभी कैसे किए। देखिए ये बैटरी है और इसे चार्ज करना है। अगर ये चार बैटरी है तो भी चार्ज करेगा, एक बैटरी है तो भी चार्ज करेगा। ये चार्जर है, आठ बैटरी होगी तो भी चार्ज करेगा। ये भाई साहब बोल रहे हैं, हाँ, तो ये बनाए कैसे? देखिए ग्रेविटी उठाने के लिए ऐसा है, ये एम्पियर अगर आपको इसका जो कनेक्शन बढ़ा देंगे तो इसमें एम्पियर बढ़ जाएगा, तो ये ग्रेविटी बढ़ जाएगा। अगर एम्पियर बढ़ जाएगा तो ग्रेविटी बढ़ जाएगा, चाहे कोई भी चार्जर हो तो वो ठीक है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसके किस कंडीशन में बनाए हैं। ये बनाए हैं, देखिए इसमें से ये कंपोनेंट्स लगाए हैं। ये कंपोनेंट जो है ये सीरीज में लगा हुआ है, ठीक है? ये सीरीज में लगा हुआ है और ये एक मीटर है और ये डायोड प्लेट है और ये कैपेसिटर है। बस इतनी सी चीज है, ये कैपेसिटर, ये डायोड प्लेट और ये एम्पियर मीटर और ये छोटा सा कंपोनेंट्स, यही है ना। लेकिन मैं खोल के बता भी नहीं रहा हूँ, क्योंकि अगर हमने बताया और आपने फिर इसी तरह से कनेक्शन किए तो कुछ हो जाएगा, तो आप कहेंगे अपने सर ने बताया। ये कंपोनेंट्स अलग है, जो आपको मिलेगा नहीं मिलेगा मुझे नहीं पता, है ना। लेकिन ये कंपोनेंट्स है अलग असेंबल किया हुआ है, असेंबल किया हुआ है आपका, है ठीक है, इनका असेंबल किया हुआ है। ये तार टूट गई थी इसलिए जोड़ रहा हूं इसको, छूट गया। तो ये मैंने जोड़ दिए। अब इसमें एम्पियर मीटर आएगा जब हम तार लगाएंगे तो, और ये बैटरी चार्ज करेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं ये सिंगल बैटरी है, आप चार बैटरी भी जोड़ सकते हैं, आठ भी जोड़ सकते हैं, और इसका एम्पियर बढ़ाने के लिए आप इसका कंपोनेंट्स बड़ा कर सकते हैं। ये क्या कंपोनेंट्स है ये मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि आप ऐसा एक्सपेरिमेंट करेंगे, कोई गड़बड़ी हो गई तो मैं जिम्मेवार नहीं, ठीक है? तो चलिए तार लगाइए इसके। अभी देखिए जीरो जीरो एम्पियर है और थोड़ा कैमरा इधर ले करो, उसको इतनी दूर करने की क्या मतलब है? स्टार्ट। तो देखिए एक मिनट दो निकाल रहा हूँ।
तो देखिए ये एक मिनट, ये देखिए 0 एम्पियर है अभी, और वो तार लगा रहा है, लगाओ। ये कौन लगा रहा है? बबलू पंडित। ये देखिए वहाँ पटपट की आवाज आई, और यहाँ देखिए एम्पियर चढ़ गया, ठीक है। ये तार हो गया, हाँ देखिए एम्पियर 15 एम्पियर है। अगर आप इसकी कंपोनेंट्स बढ़ा देते हैं तो ये 20 एम्पियर भी हो सकता है, 25 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, ठीक है। वो उसके ऊपर है, यहाँ पे एक बैटरी चार्ज हो रहा है। अब ये वोल्टेज जो है यहाँ पर कैपेसिटर में अभी जो है करीब 300 वोल्ट बन रहा होगा। तो ये आपको ये माइंड में रखना है कि आप अगर ऐसी गलती करेंगे तो ये रिक्स वाली बात है, ठीक है। और मैं बता दिया कि सिर्फ ये कंपोनेंट्स है, ये एम्पियर मीटर है, ये डायोड प्लेट है, कैपेसिटर है, और ये बैटरी चार्ज हो रहा है, ठीक है। तो आपको अगर ऐसे बनाना है तो मैं तो राय नहीं दूंगा, लेकिन आप अगर बनाकर यूज करना जानते हैं तो यूज कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और किसी तरह के सीखना हो हमारे पास तो आइए, 100% सीखने की गारंटी है। थैंक यू दोस्तों। ओपन हो गया। ये क्या, ये देखिए ये साइकिल का किट है, और ये साइकिल का किट अभी खोल के देख रहे हैं, और ये खरीदेगा। चलो देखो क्या क्या है, निकालो। मोटर है सर इसमें? मोटर कितने वाट का है दिखाना? 36 वोल्ट 350 वाट। ये इसके साथ में मिलेगा आपको अगर आप खरीदेंगे तो। ये एक स्लेटर है, और इसमें चाबी साथ में है, और चाबी का कनेक्शन मैं आपको बता दूंगा अगर करना हो तो। ये थ्रोटल की तार है, और ये दो चाबी में लगेगी, ठीक है। और दूसरे साइड का जो मुट्ठा है, मुट्ठा मुट्ठी जो बोले ये साथ में है, रखिए।